होप आप सबने योगा डे एंजॉय किया होगा, नए नए आसन सीखे होंगे और अपनी लाइफ में रोज आप उसे इम्प्लीमेंट करते होंगे। सो हेल्दी स्टॉक्स, सो आपके हेल्थ के लिए आपने योगा तो कर लिया, मगर आप स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे या व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी और फिट स्टॉक? लोग बोलेंगे जिसका डेट इक्विटी रेशियो कम है, या जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, या कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, या कंपनी स्मॉल कैप है, इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। नो, द ओनली पैरामीटर टू आइडेंटिफाई द फिटनेस ऑफ अ कंपनी इज बाय एनालाइजिंग इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी। सो व्हाई रिटर्न ऑन इक्विटी? अल्टीमेटली पैसा ओनर का या बिजनेस का या शेयर होल्डर का लगा है, उस पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, दिस इज अ थंब रूल। और अगर कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है तो कंपनी इज एफिशिएंट, कंपनी अपने शेयर होल्डरों का ध्यान रख रही है। और अगर कंपनी रिटर्न नहीं जनरेट कर रही है या कम जनरेट कर रही है तो देन कंपनी इज डिस्ट्रॉइंग वेल्थ। तो अगर 8% रिटर्न कंपनी जनरेट करती है तो उतना तो बैंक में भी आप फिक्स डिपॉजिट करोगे तो भी आपको रिटर्न मिलेगा, तो फिर फायदा क्या? अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 4% प्रीमियम, या जिसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर 8% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है तो कम से कम 4% ज़्यादा, मतलब 12% कंपनी कम से कम तो बनाए अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड पे, तो लगे हाँ भाई कंपनी पैसा बना रही है, वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रही है। सो ऐसे अगर कंपनियों की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है, मैनेजमेंट अच्छा है, बार्गेनिंग पावर अच्छे हैं, वगैरह वगैरह, सिचुएशंस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अच्छे हैं। सो ऑल दोज फैक्टर्स विल काउंट अपॉन व्हेन कंपनी जनरेट्स हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। सो ये एक मापदंड है, और वॉरेन बफेट ने भी अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है, न्यूज़ लेटर में, कि जो जो कंपनियाँ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडर्स है। सो 5, 10, 15 सालों में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करती है। और वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में भी जितनी भी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर सब हाई आरओई कंपनियां हैं जो रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा कमाती है। तो हमने भी हमारे इन्वेस्टरों के लिए हाई आरओई कंपनी आइडेंटिफाई की है, और इन हाई आरओई कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो 5 साल, 10 साल, 15 साल, सो दे विल रियली कंपाउंड योर वेल्थ। और नंबर वन कंपनी इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर जनरेट्स 74% रिटर्न ऑन इक्विटी। ये कई गुना ज़्यादा है फ्रॉम द बेसिक 8 to 10% दैट पीपल अर्न इन ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो कंपनी के पास ब्रांड्स है, पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ग्रेट मैनेजमेंट है, और इसके कारण कंपनी इतना सुपीरियर रिटर्न बना सकती है। दूसरी कंपनी है कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव 50% रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है। थर्ड कंपनी इज कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया जनरेट 68%। ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है मगर इनके पास इनके सिस्टम्स हैं, इनके प्रोसेसेस हैं, इसके कारण कंपनियां इतना सुपीरियर रिटर्न जनरेट कर सकती है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 40%, बजाज कॉरपोरेशन 45%। सो बजाज कॉर्प इज हैविंग अ डोमिनेंट पोजिशन इन इन ऑयल हेयर केयर मार्केट। हॉकिंस प्रेशर कुकर 54%, और हॉकिंस ने अब तक सिर्फ 72 मिलियन प्रेशर कुकर बेचे हैं, और बहुत सारी मार्केट कैप्चर करना बाकी है। सिम्फनी इंडिया 40%। सो एयर कूलर मार्केट भी काफ़ी छोटा है, नेसेंट है, और जब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया का हो चुका है तो बहुत सारी है और भी अनटैप्ड पोटेंशियल है मार्केट जो सिम्फनी और उनको कैप्चर करना है। पेज इंडस्ट्रीज 44%, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 30%, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 25%, नेटको फार्मा 33%, और HCL टेक 28%। ये जो 12 कंपनियों के पोर्टफोलियो है वो ज़्यादातर कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है और हाई आरओई जनरेटिंग कंपनी है। ये सब आप कंपनियों का जब आप पोर्टफोलियो बना के रखोगे तो अगले 5, 10, 15 सालों में ये सब कंपाउंडिंग आपकी वेल्थ को कंपाउंड करेंगे, और कंपाउंड 20-22% से करेंगे। जो वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ 21% से कंपाउंड की है, और उसी
उसी की तरह ये कंपनी अभी आपके लिए रिटर्न जनरेट करेगी। आपको पेशेंस से रखना है। ये सारी की सारी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, कुछ इंडियन कंपनीज भी है, एंड दे आर गोइंग टू जनरेट ह्यूज वेल्थ फॉर यू। अभी नहीं खरीदना है, मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए, करेक्शन चल रहा है, मे बी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है तो कुछ पैनिक वगैरह अभी आना चाहिए मार्केट में। वो टाइम पे आप ये लिस्ट रेडी रखिए, जैसे मार्केट नीचे आए तो आप इन 12 कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। हमने इसकी डिटेल, देर आर सम डिटेल राइटअप भी हमने दिया है, वो स्टॉक नोट ऐप में हमने सर्कुलेट ऑलरेडी कर दी है। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो थ्रू दैट, और या फिर आप हमें लिख भेजिए, हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। आप इन कंपनियों को जब आप आइडेंटिफाई करके आप जब रखोगे, आप इन्वेस्ट करोगे, तो आप एक सही मायने में आपका सुपीरियर पोर्टफोलियो होगा और आप वेल्थ जनरेट करेंगे। और इसके अलावा और आपके कुछ क्वेरीज हैं, अगर मार्केट के बारे में पूछना है, तो आप हमें लिख भेजिए। थैंक यू वेरी मच।